वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड मैं हूं लकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल 47 राइडर्स। ये रहा हमारा चैनल कड़ाइन एंड जो भी न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड आज का टॉपिक ये रहा डिक्स लॉक, जैसा आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड हम हमारी बाइक के लिए बहुत सारी एसेसरीज लाए थे, बट जो मेन एसेसरीज थी वो अभी दिल्ली ही है। एंड ये पोर्शे का है, सॉरी पोर्शे का क्या पोर्श का, मैं भी पोर्शे बोल रहा हूँ। तो हम इसको फिट करेंगे। तो गाइज अब अपन इसको फिट करके देखते हैं। एंड इन जो होल से डिक्स के उसमें फिट होगा ये आप देख ही सकते हो इसकी पैकिंग के साथ पोश का। तो अपन इसको फिट करते हैं एंड इसको ओपन करते हैं। पहले अपन इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ब्लैक कलर में है ये एंड मेटल बॉडी है, तो अभी अपन देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरा वन हैंड ही यूज़ हो रहा है इसलिए वन एक हाथ से करना पड़ेगा। तो ये देखो आप मेटल की आवाज़ आई गई होगी आपको। एंड ये देखो ये पता नहीं, अभी मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया तो मुझे भी इतना पता नहीं है। चलो अपन एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसकी चाबी है ये एंड अगर ट्राई करते हैं इसको दबा के राउंड करना पड़ेगा। ये पुश करके ऐसे लेफ्ट निकालना है वापस इसको। एक सेकेंड, फ़ोन मेरा ये इसे राइट करके लॉक हो जाएगा एंड चाबी को राइट करके निकालेंगे एंड ये ऐसे लॉक बन जाता है। एंड इसको जैसे ही बंद करेंगे तो लॉक हो जाएगी। तो अपन पहले डिक्स में लगा के देखेंगे इसको। एंड ये इसकी की है, एक सेकंड मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ये अपन इसको अनलॉक कर सकते हैं इसे, ये अनलॉक हो गया। एंड इसकी की भी मेटल की है। एंड अभी अपन इसको डिक्स पे लगा के देखें, मेटल की है ये, कुछ काम का नहीं है वैसे इतना ज़्यादा। मैंने तो ऐसे ही रिव्यू लेने के लिए मंगाया था कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चलो अपन पहले एक ट्राई कर लेते हैं इस पर, डिक्स पे लगा के यूज़ करके देखते हैं। चलो डिक्स पे गाइस इसको लगा के देखते हैं अब। एंड मैंने इसको पैरों के बीच में रख रखा है फ़ोन को, ये डिक्स लॉक। एंड इसको ट्राई करते हैं, वैसे अगर इधर से लगाएं ऐसे लग गया, इतना लूज़ रहेगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा अगर ये लूज़ है इतना लूज़ रहेगा। एंड तो अपना ये चलो बाइक तो सिक्योर है, बट ये इधर ये इसको नुकसान कर सकता है। एंड अगर कोई पीछे गाड़ी रखता है तो हमारा ये इसकी जो मशीन है डिक्स मशीन उसमें थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। एंड ये मेरी डिक्स लूज। गाइस अब पापा भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपना, वो भी अपनी तरफ से जुगाड़ लगा रहे कि ये अड़ेगा तो नहीं इसके, तो मैं कुछ बोलूँगा तो नहीं। गाइस जैसे आपने देखा ये डिक्स ब्रेक डिक्स लॉक है एंड ये इसमें फिट होके एंड इसमें लग जाता है, सॉरी इसमें ऐसे लग जाता है, ये लग गया डिक्स लॉक। बट ये हार्मफुल है अपने मशीन के लिए, डिक्स मशीन के लिए। अपन ने ध्यान नहीं दिया और इसको आगे ले लिया तो ये मशीन को डैमेज कर सकता है। बट अपन फिर भी इतना ध्यान तो देंगे, बट ये बाई चांस कहीं दूर जाओ तब यूज़ होगा। एंड देख ही लिया आपने ये पोश कंपनी का है। अब ये वैसे कोई मतलब नहीं है मेरी तरफ से, इसको मत लेना, ये मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिया है, ये मैंने टेस्टिंग के लिए लिया था। एंड मेरी एडवाइस ये है, आप डिक्स लॉक परचेस करो तो ये वाला परचेस मत करना, ये सिर्फ मैं टेस्टिंग के लिए लिया था। एंड कोई मतलब नहीं है, यूज़लेस है ये प्रोडक्ट बिल्कुल मेरी नज़रों में। बट ये है कि अपन थोड़ी सेफ्टी तो हो जाएगी, बट ये डिक्स तोड़ ये मशीन तोड़ देगा तो इससे भाई साहब वैसे मत लगाना इसको, कोई यूज़लेस है ये मेरी नज़र में, बहुत घटिया गया तो अपने कोई काम नहीं आएगा। बट वो तो वैसे भी काम नहीं आएगा, काम तो ये आएगा सही है। तो गाइज अपन चलो, अपन ने यूज ले तो लिया, आप मत लेना, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ये कोई काम का नहीं। बिकॉज जैसे अपन आगे पीछे करेंगे एंड ये मशीन पे लग गया तो मशीन अपनी इससे ज़्यादा डैमेज रहेगा, ये तो प्रोडक्ट तो सस्ता जाएगा। एंड ये इसकी दोनों की है, मेटल की, तो
आपको वीडियो कैसी लगी? और मेरी एडवाइस थी कि मत लेना इसको, मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए मंगवाया था। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो अपन शायद लाइटिंग या पार्किंग लाइट में ला सकते हैं, दोनों में कन्फ्यूज़ हो, बिकॉज हेलमेट के लिए भी मैं एक स्पेशल चीज़ लाया हूँ, स्पाइक लाया हूँ हेलमेट के लिए, उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरा चैनल 47 राइडर्स। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लॉक मत लेना प्लीज़। This time you crossed the line.